बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव केंद्र की बीजेपी सरकार पर एक बार फिर हमलावर दिखे। दरअसल तेजस्वी यादव ने भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच की ओर से आयोजित किए गए परशुराम जयंती कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर तेजस्वी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि वे देश में बेरोजगारी, महंगाई, पलायन और किसानों के असली मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए हिंदू खतरे में है का नैरेटिव चलाते हैं। तेजस्वी ने यह सवाल पूछा कि जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के तीनों सेना प्रमुख हिंदू हैं, तो फिर आखिर देश में हिंदू कैसे खतरे में है। तेजस्वी यादव यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि जिस देश में चर्चा लाउडस्पीकर और बुलडोजर पर हो रही है, महंगाई, किसान, बेरोजगारी और पलायन पर चर्चा नहीं होती है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इस पर चर्चा नहीं होती है। आज चर्चा होती है कि हिंदू खतरे में है। जब देश के सर्वोच्च पदों पर हिंदू हैं, तो फिर आखिर देश में हिंदू कैसे खतरे में है। सब देश की जनता को असल मुद्दे से भटकाने की साजिश चल रही है। उन्होंने कहा कि हम समावेशी, सकारात्मक और प्रगतिशील राजनीति करते हैं, जिसमें सबका सहयोग और हिस्सेदारी रहे। हमारी सकारात्मक, विकासोन्मुख और वैज्ञानिक सोच है। गौरतलब है कि तेजस्वी यादव की कोशिश है कि एक बार फिर राज्य में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिहार समुदाय के बीच अपनी पकड़ मजबूत की जाए, क्योंकि आरजेडी की पहचान मुख्य तौर पर मुस्लिम यादव संयोजन के साथ की जाती है, जो तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद यादव ने शुरू की थी, और अब तेजस्वी यादव भी उसी कोशिश में जुटे हैं।